हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है कितनी तारीख है, आज तारीख भूल जाती हूँ, आज है 3 जनवरी और नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं हूँ किचन में, शाम का डिनर तैयार करने जा रही हूँ और आज पांडे जी भी आने वाले थोड़ी देर में, तो आज हम लोग जाएंगे अपने घर क्योंकि ध्रुवी का स्कूल खुल रहा है, ध्रुवी को भी अब क्लासेस लगेंगी तो जाना पड़ेगा, तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी फिलहाल रात का डिनर का तैयारी करने जा रही हूँ मैं, तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए क्या है मेरे पास, बथुआ। तो आज पापा बथुआ लाए हैं और बथुआ का हम लोग बनाएंगे चोखा। बथुए का रायता भी अच्छा लगता है बट रायता शाम में अच्छा नहीं रहेगा, जुकाम कर देगा, तो इसलिए चोखा बनाएंगे। और अभी बहुत सारा बथुआ भी रखा भी है कि फिर कभी कुछ बन जाएगा, बथुए का पराठा, रायता सब बनता है, अच्छा लगता है। तो अभी फिलहाल इसको अच्छे से वॉश करके उबालूंगी, उबाल के फिर हम इसका चोखा बनाएंगे। साथ ही साथ में बनाऊंगी मटर मशरूम की सब्जी और उसके साथ में बनेगा दाल चावल रोटी, सब चीज़ें बनेंगी। तो फिर पांडे जी हम लोग सब खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग। और इसको धो के उबालने के लिए रख देते हैं और फिलहाल मेरी मम्मी है मुझे चॉपिंग करके दे रही है सारी चीजें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हीटर चला के मम्मी सब्जियों की चॉपिंग कर रही है। उधर ध्रुवी है जो कि कार्टून देख रही है फोन में, और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं अंताक्षरी, किचन की अंताक्षरी शुरू करेंगे। मटर और मशरूम बनानी, बथुआ इसको भी करना है, तो चलिए बनाना। ये मशरूम है, इसको हम एक मशरूम के अंदर इसके 4 पीसेस करेंगे, तो चलिए इसके पीसेस कर लेते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे मसालों की प्रिपरेशन कर ली है जो कि कुछ इस तरह के है। प्याज है थोड़े ऐसे रफली चॉप कर लिए हैं, और ये है अदरक की स्लाइसेस, ये है लहसुन, 3 मिर्ची ली है और ये 3 प्याज भी है, 3 मिर्ची, 3 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन और अदरक, ये हमारे मसाले हैं। इनको हम पहले फ्राई करेंगे उसके बाद पीसेंगे, प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मशरूम की चॉपिंग कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए, हमने कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा दी और तेल गरम कर लिया है। इसमें हम ये जो हमने प्याज काटे हुए हैं रफली, ये डाल देंगे और इनको सुनहरा होने तक भूनेंगे अच्छे से। तो इस तरह से देखिए हमने प्याज को छौंक दिया है। तो दोस्तों अभी पापा मेरे पनीर भी लाए थे इसके अंदर डालने के लिए कि मटर मशरूम में पनीर भी डाल दो, बट थोड़ी देर में उनका प्लान बदल गया, उन्होंने कहा कि ये सब्ज़ी को मटर मशरूम ऑथेंटिक इसको यही रहने दो और पनीर के बना दो पकोड़े। तो अभी एक और नई डिश शामिल हो गई है हमारे मेन्यू में। और यहाँ पे देखिए मशरूम को मैंने चॉप करने के बाद गर्म पानी में धो रही हूँ। गर्म पानी में धोने से इसमें जो भी छोटे बहुत कीड़े या बैक्टीरिया या फंगस वगैरह कुछ होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो इसलिए गर्म पानी में धो लें। और यहाँ पे देखिए हमारे प्याज का भी कलर चेंज हो गया है, तो अब बारी है इसमें, देखिए थोड़ा ब्राउन हो गया है ना इसका कलर गोल्डन, तो इसमें अब इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे किनारे कर देंगे और ताकि जो तेल इधर आ जाए। और इस तेल में तब हम भूनेंगे हमारी लहसुन मिर्ची अदरक को, तो चलिए ये भी हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमने डाल दिया और इनको भी थोड़ा सा इसके साथ में भून लेंगे चलाते हुए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, क्योंकि इन सबको हम मसालों को ग्राइंड करने वाले हैं एंड में, तो इनको अच्छा सा भून लीजिए। अब देखिए हमने बड़े बड़े टमाटर भी काट के रखे हुए हैं, ये टमाटर भी जाएंगे इसी मसाले में कढ़ाई में, तो चलिए हमारा ये मसाला को भी भूनते हैं और टमाटर को गलने देने तक हमें पकाना है। और इसको जल्दी गलाने के लिए ज़रूरी है नमक, तो जैसे ही आप टमाटर डालें, जब कभी भी किसी भी सब्ज़ी में आप जैसे ही टमाटर डालें, नमक डालें, तो टमाटर फटाफट गलेंगे और सब्ज़ी जल्दी कुक होती है। साथ में हमारे बथुआ भी उबल गए हैं एकदम चोखा के लिए, उनको निचोड़ के चोखा बनाना है। तो देखिए नमक मैं अभी अंदाजे से इसमें डाल दे रही हूँ, और चलिए नमक मिला के इसको थोड़ा सा हम ढकेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से पक जाएं, और इनको भून के ऐसे चला के थोड़ा ढक देंगे हम। तो चलिए ये हमारे टमाटर जो हैं इनको हमने ये देखिए लिड लगा दिया है, ढक दिया है, धीमी आंच कर दी है ताकि ये गल जाएं।
तो फ्रेंड जो मसाला हमने भुना उसको इस तरह से देखिए मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और वापस से कढ़ाई में तेल डाल के, तो फ्रेंड हमने वापस से तेल ऐड किया है और उसमें डाला है हींग, और यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा पंचफोरन। तो इसको थोड़ा क्रैकल होने हो देते हैं पंचफोरन को, थोड़ा रेड टाइप का हो जाए ना, तभी हमने इसमें अपना जो ग्रेवी है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया है मैंने अलग से, क्योंकि पंचफोरन में थोड़ा ही ज़ीरा होता है, तो थोड़ा ज़ीरा। और यहाँ पे हल्दी को भी मैं तेल में ही ऐड कर दे रही हूँ ताकि हल्दी थोड़ी पक जाए। और यहाँ पे मिर्ची भी ऐड कर दी है मैंने, लाल मिर्च पाउडर। तो अब इसके बाद हम अपना ये मिक्सचर जो है हमारा ग्रेवी इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ में। तो इस तरीके से थोड़ा मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं, और मिक्सी में जो भी कुछ लगा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल के हम डाल लेंगे। सो फ्रेंड इस तरह से हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और उसके बाद हमने साइड में अपनी मटर भी धो के रखी हुई है, उसको भी ऐड करना है हमें। तो पहले चलिए पानी को ऐड कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए जो हमारा सारा मसाला है अच्छे से भुन चुका है, थोड़ी देर हमने इसे भुना है, ढक के पकाया है। और ये देखिए साइड में इसके तेल छोड़ दिया इसने, जितना भी तेल है एक्सेस तेल जो भी है इसका सब ऊपर ऊपर आ गया है, मसाला यानी कि अच्छे से भुन चुका है। अब बारी आती है मटर की डालने की, तो सर्दियों का टाइम है मटर डालने बिल्कुल कंजूसी ना करें। सो मटर डालने से पहले अभी थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। तो ये मेरे पास गरम मसाला है जिसको मैंने लगभग 1 छोटी चम्मच डाला है, और अच्छे से मिला देंगे, मसाला भी भुन जाए हमारा, तभी हम इसमें मटर ऐड करेंगे। और सर्दियों के टाइम में मटर भरपूर मिलती है, मटर डालें हम कंजूसी ना करें, क्योंकि सब्जी का नाम ही है मटर मशरूम, तो मटर अच्छी का मात्रा में होने चाहिए। तो देखिए हमने मटर डाली और ये मशरूम जो हमने धो लिए गर्म पानी में इनको भी ऐड कर देते हैं, और इनको भी हम दोनों को मिला के थोड़ी देर 3-4 मिनट अच्छे से धीमी धीमी आँच पे भूनेंगे, ताकि मसालों के साथ ये भुने अच्छे से, और भुनेंगे तभी अच्छा स्वाद आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मसाले के साथ में इसको भून लिया है। अब बारी आती है हमारे जो इसमें हमने ग्रेवी रखनी है वो कितनी रखनी है उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। तो चलिए हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं पानी। तो ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है, एक जैसे पनीर वगैरह का ग्रेवी होता है ना थोड़ा थिक टाइप का, उस टाइप का ग्रेवी रखना है। तो पानी मैंने थोड़ा ही डाला है, और साथ साथ में यहाँ पे देखिए जो पनीर हैं इसके हमने इस तरह से स्लाइसेस कर लिए हैं थोड़े मोटे मोटे से, और इनके बनाने हमें पकौड़े। तो पकौड़ों की मैरिनेशन के लिए ये देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची धनिया और कुछ चिली फ्लेक्स को डाल के इसको एक पेस्ट बनाऊंगी पीस करके, और उस पेस्ट के साथ में बेसन को फेटूंगी। बेसन डालेंगे हम पकौड़ियों के लिए, बनाएंगे जो मिक्सचर उसमें ये मसाला डालेंगे, जिससे कि हमारा जो पकौड़ों का स्वाद है बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। लहसुन धनिया अदरक मिर्ची का पूरा टेस्ट आएगा इस पकौड़े में, तो अच्छा लगेगा। और देखिए हमारा बथुआ का चोखा भी बन के तैयार है, इसमें लहसुन वगैरह सब कुछ हमने मिला दिया, सरसों का कच्चा तेल डाला जाता है वो भी सब कुछ डाल के अच्छे से हमारा बथुआ का साग भी तैयार है। और साथ साथ में यहाँ पे हमारी सब्जी भी देखिए तैयार है, और जो भी मटर है पक के ऊपर आ गई है, तेल भी ऊपर आ गया है, सब्जी भी डन है। सो मम्मी यहाँ पे मिला रही है थोड़े से चावल मिक्स चढ़ा रही है पुलाव टाइप ज़ीरा राइस करके, और यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार है। तो धनिया की पत्ती मैंने काट के रखी है, उसको भी डालेंगे हम जब उतारते टाइम पे। और यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर की चटनी भी बना ली है पकोड़ों के साथ के लिए, तो चटनी भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये घोल देखिए पकोड़ों का तैयार है, और चावल मम्मी यहाँ पर डाल रही हैं। तो मैंने यहाँ पकौड़े तल लिए हैं, और ये देखिए पनीर के पकौड़े कुछ तल गए हैं और कुछ मैं तल रही हूँ। तो चलिए एक पकौड़ा हम अभी टेस्ट करके देखें कैसा है। और देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी लाजवाब दिख रही है, और एकदम पनीर को टक्कर देगी ये सब्ज़ी मटर मशरूम। तो फ्रेंड्स ये हम पनीर का पकौड़ा टेस्ट कर रहे हैं, और क्या स्वाद है पकौड़ों में, आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ जाएंगे कितना टेस्टी है ये पकौड़ा। तो चलिए अभी टाइम आ गया है कि सारी चीज़ें तैयार हैं, कुकर की भी सीटी आ गई है, तो थाली परोसेंगे खाना खिलाएंगे। पांडे जी आ चुके हैं, बैठे हुए हैं पापा के साथ में, और न्यूज़ वगैरह टीवी वगैरह देख रहे हैं। और देखिए मम्मी रोटियां बनाना भी शुरू कर रही है,
और यहाँ पे मम्मी रोटियाँ सेक रही हैं, तो गर्मा गर्म रोटियाँ आप परोसना खिलाना है, तो चलिए हाथ धो लेती हूँ और फिर थाली लगाती हूँ मैं दोनों लोग के लिए। तो यहाँ देखिए थाली हमारी लग गई है और चावल अभी नहीं निकाले हैं, चावल को निकाल के प्लेट में अलग रख दिया ताकि थोड़ा ठंडा हो, तब तक पहले रोटियाँ सर्व कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पापा और पांडे जी अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं हीटर लगा के बढ़िया, क्योंकि खाते टाइम ही ज़्यादा ठंड लगती है और इस टाइम ठंड का मौसम बहुत है और बहुत सर्दी पड़ रही है, तो न्यूज़ देखते हुए लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद मैं भी खाऊंगी अपना डिनर और फिर हम लोग जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि सर्दी की रात है तो हमने सोचा है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ती जाएगी जितनी रात होती जाएगी। तो इस समय 7, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और इन लोगों को खा ले, उसके बाद मैं भी खा के और फिर अपना कपड़े वगैरह थोड़ा अच्छे से पहन के सर्दी वाले और बस हम निकलेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ, विदाई के टाइम का मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, चलते चलते टाइम में फिर नहीं हो पाती है ना व्लॉगिंग, सबसे मिलना मिलना और पैर वैर छूना पापा लोगों को निकलते टाइम पे, तो याद नहीं रहा, मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम पे और कल से शुरू हो गए आप लोगों को मेरे घर के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।